नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एम्लोडिपिन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एम्लोडिपिन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एम्लोडिपिन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एम्लोडिपिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में एम्लोडिपिन टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। एम्लोडिपिन टैबलेट का उपयोग हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, यानी जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर अधिक रहता है उन व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए एम्लोडिपिन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। एम्लोडिपिन टैबलेट ब्लड प्रेशर को कम करती है और दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने के रिस्क को कम करती है, क्योंकि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने का रिस्क अधिक हो जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से आँखों की ब्लड वेसल भी डैमेज हो सकती है और अंधापन भी हो सकता है। एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120-80 होता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 140 से ज्यादा और नीचे वाला 90 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा है। एम्लोडिपिन एक सॉल्ट नेम है। एम्लोडिपिन टैबलेट को एम्लोवास आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। एम्लोडिपिन टैबलेट 2.5 mg, 5 mg व 10 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि एम्लोडिपिन टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। एम्लोडिपिन टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर एम्लोडिपिन 5 mg टैबलेट या एम्लोडिपिन 10 mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन एम्लोडिपिन टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको एम्लोडिपिन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना एम्लोडिपिन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि एम्लोडिपिन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में एम्लोडिपिन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में एम्लोडिपिन टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द, शरीर में थकान होना, उल्टी आने का मन होना, पेट में दर्द और नींद अधिक आना आदि साइड इफेक्ट्स एम्लोडिपिन टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एम्लोडिपिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से कंट्रोल में करने के लिए आपको एम्लोडिपिन टैबलेट के साथ साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से कंट्रोल में लाने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं एम्लोडिपिन टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए एम्लोडिपिन टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी डॉक्टर एम्लोडिपिन टैबलेट को लेने की सलाह तभी देते हैं जब एम्लोडिपिन टैबलेट का देना बहुत ही जरूरी हो। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एम्लोडिपिन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एम्लोडिपिन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका एम्लोडिपिन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।